चैनल और चैनल का नाम है द केमिस्ट। तो आज हम इस वीडियो की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि इस एग्जाम के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, उनको उन मॉड्यूल्स को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, क्या टाइम लिमिट होती है, क्या सब कुछ होता है। तो आइए हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो देयर आर 4 मॉड्यूल्स इन दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहला आता है लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर स्पीकिंग। मैं आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ कि ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन पढ़ना आपको इंग्लिश में ही है, एग्जाम आपको फुल इंग्लिश में ही देना होता है, ठीक है। तो सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखिए, याद रखिए ये बात कि केवल समझने के लिए वी आर यूजिंग हिंदी, हम हिंदी यूज कर रहे हैं समझने के लिए सिर्फ। तो भैया बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 अलग अलग सेक्शंस के अंदर होंगे। क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे, कुछ में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, किस में मैच मेकिंग होगी, किसी के अंदर मिसिंग वर्ड्स होंगे। तो ये सारी चीजें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो जब हम एक एक मॉड्यूल एलाबोरेट करेंगे तब हम समझेंगे। एक बार हम बेसिक ओवरव्यू लेते हैं आज कि इन मॉड्यूल्स के अंदर होता क्या है, इनको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। तो 40 क्वेश्चन होंगे लिसनिंग के अंदर। लिसनिंग कुछ नहीं होगी, आपको ऑडियो क्लिप सुनाई देंगी, चारों सेक्शंस के अंदर अलग अलग ऑडियो क्लिप्स होंगी। आपको हेडफोन्स लगा के बैठना है, आपको एक शीट मिलेगी, शीट के अंदर आपको आंसर ट्रांसफर करने हैं, यानी कि पहले आप रफ में नोट करोगे, फिर आप उसको फाइनल आंसर शीट के अंदर ट्रांसफर करोगे, तो आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो लिसनिंग के अंदर आपको 4 डिफरेंट टाइप की ऑडियोज सुनाई देंगी, उन ऑडियोज को सुनना है और आपको आंसर फिल करना है। ऑडियो की जो लैंग्वेज होती है, जनरली वो लैंग्वेज यूके इंग्लिश ली जाती है, या फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ली जाती है, या अमेरिकन इंग्लिश ली जाती है, और बहुत ही रेयर चांस ऐसा होता है कि और किसी कंट्री की इंग्लिश ली जाती है ऑडियोज के अंदर, ठीक है जी। ये तो बात हुई लिसनिंग की। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग मॉड्यूल होता है। देखिए चारों मॉड्यूल्स के जो स्कोर आएंगे वो 9 बैंड्स के क्राइटेरिया से आएंगे, ठीक है। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स जो देखे हैं वो 9 में से 9 बैंड भी स्कोर करते हैं लिसनिंग के अंदर, बिकॉज इट इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द आईएलटीएस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम रीडिंग के अंदर। रीडिंग क्या है? छोटी क्लासेस के अंदर आप पैसेज पढ़ते थे, जैसे 10th 11th की अगर मैं बात करूँ तो अपने को पैसेज आते थे, छोटा पैसेज आता था, बड़ा पैसेज आता था, उसके अंदर अपने को क्वेश्चंस ढूंढने होते थे। वही कहानी है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा है। इस रीडिंग के अंदर भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, इन तीनों सेक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस होंगे, हो सकता है एक लंबा हो छोटा हो। नो, पैसेजेस के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके और 60 मिनट के अंदर आपको रीडिंग कंप्लीट करके आंसर ट्रांसफर करने हैं आंसर शीट के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं आंसर ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, तो वो आपको वहां पे कोई ऐसा टाइम नहीं मिलेगा फिक्स कि अरे अरे मेरा तो छूट गया, मेरे को 10 मिनट दे दीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है 60 मिनट के अंदर। नेक्स्ट राइटिंग, ये भी छोटी क्लासेस वाली बात है। छोटी क्लासेस के अंदर अपने क्या करते होते थे, ऐसे लिखते थे, लेटर लिखते थे, रिपोर्ट राइटिंग लिखते थे किसी टॉपिक के ऊपर, तो ये सारी चीजें वही चीज कहानी है। इसके अंदर 2 टास्क होंगे, टास्क 1 टास्क 2, 60 मिनट मिलेंगे इसमें भी आपको। 60 मिनट के अंदर क्या होता है, जो टास्क 1 होता है वो छोटा होता है, या तो रिपोर्ट होती है या पाई चार्ट्स होते हैं, वो सब आपको मैं समझा, हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स उठाएंगे। तो टास्क 1 क्या होता है, छोटा होता है, इसके लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट, ठीक है। और जो टास्क 2 होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपको मिलते हैं 40 मिनट। ये टास्क 1 और टास्क 2 की लिमिट्स होती है, वर्ड लिमिट्स भी होती है, इसको आपको 250 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आती है स्पीकिंग। देखिए ये क्या रूल है आईएलटीएस का, भले आप बीसी से दे रहे हो, भले आप आईडीबी से दे रहे हो, ये कभी भी चारों मॉड्यूल्स को एक ही दिन में नहीं कंडक्ट करवाते हैं। या तो आपकी स्पीकिंग इन तीनों मॉड्यूल से पहले आएगी, या फिर आपकी स्पीकिंग इन तीनों मॉड्यूल्स के बाद में आएगी, ये टोटली डिपेंड करता है आप एग्जाम फेल कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। तो स्पीकिंग को अलग से लिया जाता है, बाकी जो LRW है इन तीनों को अलग से लिया जाता है, ठीक है। स्पीकिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 3 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। 11th 12th क्लास के अंदर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो वाइवा देते हैं ना, जो बच्चे वो वाइवा देते हैं और अच्छे से वाइवा के अंदर उनके अच्छे स्कोर आते हैं, तो वो लोग यहाँ कभी मात नहीं खा सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, हाउ मे आई कॉल यू, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग, तो ये सिटी पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा कि आई बिलोंग टू पंजाब स्टेट, तो आपसे पूछ लेगा व्हाई इट इज फेमस, व्हाट इज द फेमस पार्ट ऑफ योर स्टेट, तो बिल्कुल बेसिक बात है इंट्रोडक्शन। पार्ट 2,
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। खेलते खेलते मार्कर खोल दिया। चलो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट टू। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक मिनट का टाइम मिलता है, आपको एक मिनट का टाइम मिलता है। उस एक मिनट के अंदर आपको प्रिपेयर करना होता है टॉपिक, आपको एग्जामिनर देगा कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको दो मिनट के लिए बिना रुके बोलना है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक मिनट मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक शीट दे देंगे, आपको एक पेंसिल दे देंगे, बोलेंगे भैया आप अपने पॉइंट्स इस पे बना लीजिए, आपके पास एक मिनट का टाइम है। एक मिनट पूरा होते हुए आपको बोलेंगे आप स्टार्ट कीजिए अपना टॉपिक, जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है आपको, या बोल देगा कि जैसे करंट टॉपिक चल रहे हैं कोरोना वायरस, ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कुछ भी हो सकते हैं, मतलब छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, दो मिनट के लिए आपको लगातार बोलना है उस पर। एक चीज यहाँ पे क्या आती है, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं निराश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे हमें तो दो मिनट का टाइम दिया, हमें तो टाइम पता नहीं लगा, हम कंटिन्यूसली बोलते गए और एग्जामिनर हमें बोल दिया ऐसे इशारा करते कि रुक जाओ तो कहीं हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर आपको जब हाथ से इशारा करता है इसका मतलब यह कि आप रुक जाओ, आपका टाइम पूरा हो गया, हो सकता है कि आप बोलते बोलते टाइम भूल गए हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो मिनट पूरा होने से पहले आप रुक गए हो, वहां आपके मार्क्स कट जाएंगे। लास्ट पार्ट आता है फॉलो अप क्वेश्चंस का मतलब है जिस भी टॉपिक पे आपको दो मिनट के लिए बोलने के लिए कहा गया था उसी से रिलेटेड आपसे लास्ट पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पीकिंग का जो टाइम होता है वो होता है 11 से 14 मिनट, बस इतनी देर की आपकी स्पीकिंग होती है। इतनी देर के अंदर वो जज कर लेते हैं भैया कि आप स्पीकिंग में कितने लायक हो, कितना बोल सकते हो, कितना समझ सकते हो। जनरल मॉड्यूल्स के बारे में आइल्स के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक मॉड्यूल को इंडिविजुअल उठा के देखेंगे, मार्किंग सिस्टम क्या होता है, कितने कितने मार्क्स आते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या क्या उसके अंदर होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि बाहर जाने के लिए आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।